हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। जैसे कि आपके कल एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की क्लासेस हुई थी वन लीनियर्स की, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज आगे क्वेश्चंस करेंगे। उस सीरीज़ में 10 क्वेश्चन ही हुए थे, 3 से 4 मिनट की क्लास थी। आज की जो क्लास है वो 11 नंबर क्वेश्चन से होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द फाइनेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ मैंड्रीन ऑरेंज, जो मैंड्रीन ऑरेंज है उसकी जो फिनेस्ट या फिर मोस्ट पॉपुलर जो वेराइटी है, जो किस्म है, वो कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है? क्लीमेंटाइन जो है वो क्या है? मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है। और क्या है? फिनेस्ट वेराइटी है किसकी? मैंड्रीन ऑरेंज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्लैक हार्ट है या फिर जिसे हॉलो हार्ट बोलते हैं, वो पोटैटो के अंदर जो डिजीज होती है ना, वो बोल रहे हैं कि किसकी वजह से होती है। ठीक है, अकेयर ड्यू टू किसकी वजह से होती है? इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, ठीक है, वातावरणीय स्थिति की वजह से या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से क्या होता है पोटैटो के अंदर? ब्लैक हार्ट या होलो हार्ट डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सीड रेट शुड बी अडॉप्टेड फॉर मेजर क्रॉप ग्रोन द फॉर द पर्पज, यानी कि सीड रेट कितनी रखते हैं? सीड रेट क्या होता है सबको पता होगा। सीड रेट यानी कि जैसे हमें कोई फसल है, ठीक है, 1 हेक्टेयर का मेजरमेंट लेके चलते हैं हम, कितना भी हो सकता है कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो हमने 1 हेक्टेयर का दिया है। इसका मतलब ये आपके पास ज़मीन है जिसमें क्या है, ये 1 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में ये बोल रहा है कि आपको फोडर के लिए, ठीक है, हरे चारे के लिए क्या करना है, कोई फसल है उसे ग्रो करना है। ओके, मान लो आपको बरसीम ग्रो करना है, ये बोल रहा है, नॉर्मली बोल रहा है कि आपको कोई फसल ग्रो करनी है किस लिए, फोडर पर्पस के लिए। तो ये बोल रहा है उसकी आप सीड रेट कितनी रखोगे। तो सीड रेट देखो कितनी रखोगे फोडर पर्पस के लिए, तो आपको फोडर चाहिए ना। हमें क्या है, प्रोडक्शन उस टाइप से नहीं चाहिए जैसे कि हम गेहूं को ग्रो कर रहे हैं, तो क्यों प्रोडक्शन लेने के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लांट से प्लांट की दूरी, रो से रो की दूरी, मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, ताकि क्या होगा, जो प्लांट है ना वो अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सके, अच्छे से क्या कर सके, अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सके, ठीक है। लेकिन हरे चारे के लिए क्या होता है, बिल्कुल पास पास में प्लांट को ग्रो किया जाता है, क्योंकि हमें क्या होता है, ग्रीन मैटर ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, बिल्कुल पास पास में ग्रो करती हैं, तो इसके लिए सीड रेट भी ज़्यादा रखी जाती है। तो कितनी रखेंगे, ये बोल रहा है नॉर्मली 50 kg पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 50 kg अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द पब्लिशर ऑफ इंडियन, जो आपकी इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर है, वो जो है इस किसके थ्रू यानी कि पब्लिश की जाती है। ओके, तो FAI के थ्रू क्या किया जाता है, इसे पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, टिल प्लांटर इज नॉट यूज फॉर, जो टिल प्लांटर है वो किसके लिए यूज नहीं किया जाता है? तो टिल प्लांटर किसके लिए यूज नहीं किया जाता है? प्रिवेंटिंग सॉयल एरोजन, ठीक है, सोयल एरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, इसका यूज नहीं किया जाता, टिल प्लांटर का यूज जो है वो नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, 16th नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द स्पेस फॉर स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ एप्पल ट्री, यानी कि जो स्टैंडर्ड वैरायटी है कौन सी एप्पल ट्री की, तो उसके लिए बोल रहा है कि उसके लिए स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, 20 से 3 फीट, ठीक है, कितनी रखी जाती है, 20 से 30 रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, 1 सेकेंड, यहाँ पे मार्क गलती से हो गया, ये 17th नंबर क्वेश्चन था, इट्स ओके, कोई वो बात नहीं है, PDF में आप देख लेना। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन इंडिया, यानी कि इंडिया जो है, भारत में ऐसी कौन सी स्टेट है, कौन सा राज्य है जो कि क्या करता है, पोटैटो यानी कि जो आलू जो हमारा है उसका जो प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा करता है। एरिया यानी कि एरिया भी ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा आलू भी वहीं ग्रो किए जाते हैं और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा वहीं का है। तो वो कौन सा स्टेट है, कौन सा है, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो ऐसा स्टेट है जिसका एरिया भी ज़्यादा है पोटैटो प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन भी क्या है इसका ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन्युफैक्चर ऑफ, जो मैन्युफैक्चर जो आपकी है वो कौन करता है, VST टीलर्स के थ्रू की जाती है, किसकी, जो आपकी मिस्टूबिशी शक्ति टीलर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, विच मैंगो वैरायटी यील्ड ऑन एन एवरेज 16 टन पर हेक्टेयर एंड अबाउट 1600 प्लांट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वैरायटी है, आम्रपाली है, ओके, मैंगो की कौन सी ऐसी वैरायटी है, आम्रपाली,
जिसकी यील्ड तो कितनी होती है, 16 टन पर हेक्टेयर होती है, एवरेज यील्ड बता रहा है ये। और कितनी प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं हम 1 हेक्टेयर के अंदर, तो आम्रपाली के 1600 प्लांट जो है हम 1 हेक्टेयर में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और 16 टन पर हेक्टेयर हम क्या है उससे प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, डाई बैक इन सिट्रस एंड क्रेकिंग ऑफ एप्पल इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि सिट्रस के अंदर जो डाई बैक होता है और क्रैकिंग होती है एप्पल के अंदर, क्रैकिंग क्या होती है, कई बार आप देखते हो एप्पल जो होता है क्रैक होता है, तो वो क्या कहलाती है, क्रैकिंग कहलाती है। ठीक है, तो क्रैकिंग किस वजह से होती है और डाई बैक जो होता है सिट्रस के अंदर वो किस वजह से होता है, तो बोरॉन के अंदर होता है। ठीक है, बोरॉन के अंदर क्या होता है, डाई बैक एंड क्रैकिंग होती है। नेक्स्ट है जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, वसंत राय नेक अवार्ड इज गिवन बाय ICAR फॉर रिसर्च एप्लीकेशन इन। ठीक है, तो जो वसंत राय नेक अवार्ड जो है वो ICAR के थ्रू दिया जाता है, लेकिन कौन सी रिसर्च एप्लीकेशन के लिए, कौन सी रिसर्च के लिए दिया जाता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, किसके थ्रू, ICAR के थ्रू, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू। नेक्स्ट आपका है कन्वर्जन फैक्टर फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन टू ऑर्गेनिक मैटर इज यूजली टेकन इज। ठीक है, तो जो कन्वर्जन फैक्टर होता है किसके लिए, जो कंजर्वेशन होता है किसका, ऑर्गेनिक कार्बन का ऑर्गेनिक मैटर में, तो कितना रहता है उसका, 1.72। ठीक है, एक आपका बेमलिन फैक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्राइमरी डिलेज, यानी कि ऐसा कौन सा, ये पूछ रहा है नॉर्मली कौन सा यूज़ किया जाता है प्राइमरी डिलेज के लिए। डिलेज 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी डिलेज और सेकेंडरी डिलेज। ठीक है, ये डिलेज का आपका एक चैप्टर करवाया हुआ है, वहाँ पे आपको डिटेल से मिल जाएगा। प्राइमरी डिलेज जो है जो की जाती है उसमें नॉर्मली कौन सा इक्विपमेंट यूज़ में लेते हैं, तो कौन सा, प्लाओ। ओके, प्राइमरी में कौन सा लेते हैं, प्लाओ, पी से प्राइमरी, पी से प्लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द पीएच वैल्यू ऑफ एल्कलाई सॉइल, एल्कलाई सॉइल जो होती है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, एल्कलाई सॉइल की क्या पूछ रहा है, ये आपसे पीएच वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आपकी जो 3 टाइप्स की सॉइल होती है, एल्कलाई सॉइल, स्लाइन सॉइल एंड एल्कलाई स्लाइन सॉइल। ठीक है, तो इन तीनों का क्या होता है, आपसे रेशियो पूछा जाता है कि मतलब कितना कितना रेशियो रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट रहती है, तो यही चीज़ ये पूछ रहा है कि जो एल्कलाई सोइल जो आपकी होती है ना उसका पीएच रेशियो कितना होता है, तो कितना होता है, 8 होता है। अलग अलग सोइल का पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसका 8 होता है, ये आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि स्लाइन सोइल का, अगर सपोज दैट, एक बात याद रखना, एल्कलाई सोइल को और क्या बोलती हैं, ब्लैक एल्कलाई भी बोला जाता है इस एल्कलाई सोइल को, और इसे सोडिक भी बोलती हैं, सोडिक सोइल भी बोला जाता है। ओके, और इसे कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है, एल्कलाई सोइल को जिप्सम या पाइराइट से कंट्रोल किया जाता है। ओके, और इसकी अगर हम ESP की बात करें तो मोर देन 15 होती है, कितनी होती है, मोर देन 15। ओके, और अगर हम पीएच की बात करें तो कितनी होती है, मोर देन 8.5 रहती है। ये हम एल्कलाई की बात कर रहे हैं, एल्कलाइन सोइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्कलाइन सोइल की बात कर रहे हैं हम, 8.5। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लाइन सोइल की, तो स्लाइन सोइल को क्या बोलती हैं, स्लाइन सोइल को वाइट एल्कलाई बोलती हैं, एल्कलाइन सोइल को ब्लैक एल्कलाई और स्लाइन सोइल को वाइट एल्कलाई। ठीक है, तो वाइट एल्कलाई का जो पीएच होता है ना, अगर उसमें आपसे पूछ लेना क्वेश्चन, अगर आपसे ऐसे है कि स्लाइन सोइल का पीएच कितना होता है, तो याद रखना स्लाइन सोइल का पीएच कितना होता है, लेस देन कितना होता है, 8.5, कितना होता है, लेस देन 8.5 रहता है। और उसकी जो आपकी ESP रहती है वो कितनी रहती है, वो भी लेस देन 15 रहती है, कितनी रहती है, लेस देन 15। एंड थर्ड जो आपकी रहती है स्लाइन एल्कलाइन सोइल, ठीक है, इन दोनों से मिक्सचर से मिलती बनती है स्लाइन और एल्कलाइन के, कौन सी है, स्लाइन एल्कलाइन सोइल, तो इसका पीएच कितना रहता है, इसका पीएच रहता है लेस देन 8.5, और इसकी ESP कितनी रहती है, मोर देन 15। ओके, मोर देन 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट जो है कहाँ किसका, पल्सेस रिसर्च का जो दालें हैं, दलहनी जो फसलें हैं उनका जो इंडियन इंस्टीट्यूट जो है, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IIPR, ठीक है, तो वो कहाँ पे है, कानपुर के अंदर है, याद रखना कहाँ पे है, कानपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया माइक्रो प्रोपेगेशन इन फ्रूट्स क्रॉप इज मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इन, तो ये जो पॉपुलर है और मोस्ट कॉमन जो है, तो ये मेथड किस में पॉपुलर है, मोस्ट कॉमन है माइक्रो प्रोपेगेशन, तो याद रखना बनाना में, ये अभी इफको के एग्ज़ाम में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, किस में है, बनाना के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ट्राइकोगामा जो है, ट्राइकोग्रामा जो आपका ट्राइकोग्रामा है वो क्या है, इंसेक्ट है, क्या है, एक टाइप का इंसेक्ट है ट्राइकोग्रामा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो परमालिनी है, विक्रम है, और जो आपकी नेक्स्ट आपकी वैरायटी है चक्राधार, ये तीनों वैरायटियां जो है ये किसकी हैं, लाइम की है, नींबू की है, ठीक है। नेक्स्ट है टू गेट मैक्सिमम यील्ड द स्पेसिंग ऑफ बनाना प्लांटेशन फॉर रोबूस्टा वैरायटी इज, बनाना की जो रोबूस्टा वैरायटी है कौन सी, रोबूस्टा, बनाना की रोबूस्टा वैरायटी के लिए बोल रहा है मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांटिंग जो स्पेसिंग होती है वो स्पेसिंग कितनी रखोगे मैक्सिमम यील्ड के लिए, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए बनाना की जो रोबूस्टा वैरायटी की जो स्पेसिंग रखी जाती है, दूरी रखी जाती है, वो कितनी रखी जाती है, 1.8, ठीक है, 1.8 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग, जो आपकी ड्रिप इरीगेशन की है, ठीक है, तो एडवांटेज क्या क्या है, रिडक्शन ऑफ वीड, रिडक्शन इन सॉइल एरोजन, ओके। इसके बाद में है जो चोशा है, दशहरी है, लंगड़ा है, ये जो वैरायटी है मैंगो की, ये मतलब अवेलेबल फॉर्म, अवेलेबल किस टाइम होती है, तो मई और जून मंथ के अंदर। 33 नंबर क्वेश्चन है, केमिकल डिलेंटिंग ऑफ कॉटन सीड कैन बी डन विद, जो डीलैंडिंग होती है, डीलैंडिंग का क्या मीनिंग होता है, जैसे कि आपकी कॉटन है, ठीक है, पूरा इस टाइप का है, इसके अंदर में क्या रहते हैं आपको पता है, बीज रहते हैं, ठीक है, सीड्स रहते हैं, इस टाइप से बीच बीच में रहते हैं, कॉटन होती है उसके बीच बीच में ऐसे रहते हैं, तो उसे क्या करते हैं, इस अब ये जो बीच में जो सीड है, ठीक है, इन सीड से इस बाहर वाली कॉटन को जो रिमूव करेंगे हम, ठीक है, इस पूरी कॉटन को रिमूव करेंगे, उसके लिए बोल रहे हैं कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है इस केमिकल को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ग्रोविंग क्रॉप पर हेक्टेयर इज़ नोन एज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ग्रोविंग क्रॉप्स पर हेक्टेयर, जो एक हेक्टेयर, ये हमारे पास ज़मीन है कितनी है, एक हेक्टेयर है, ठीक है, अब इस एक हेक्टेयर में हमें कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन, कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन लेना है, ठीक है, हमने कोई भी क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर दिया तो उस पर कॉस्ट तो आएगी, अब कैसी कॉस्ट, बीज लेके आएंगे उसके भी पैसे लगेंगे, ठीक है, उसके बाद में कोई डिजीज होती है तो उस पर दवा जो डाली जाती है उसके भी पैसे लगते हैं, ठीक है, कोई भी फर्टिलाइज़र यानी कोई भी खाद देते हैं तो उसके पैसे भी लगते हैं, तो ये सारी क्या है, कॉस्ट है जो इस पर लगती है, एक फसल को प्रोडक्शन करने के लिए एक फसल से लगती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजीनियस बुफेलो ब्रिड हैज़ हाई कंटेंट ऑफ बटर मिल्क फैट, यानी कि इंडिजीनियस बुफेलो की ऐसी कौन सी ब्रिड है जिसमें कि क्या है, बटर मिल्क जो फैट है वो सबसे ज़्यादा है, तो कौन सी है, मुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर ग्रेप वैरायटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर हमारे भारत में ग्रेप की यानी कि अंगूर की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिससे कि क्या होता है, कहाँ गया क्वेश्चन, वैरायटी इंडिया की जो कि मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सी है, थॉम्सन सीडलेस, ठीक है, ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, थॉम्सन सीडलेस जो है वो किसकी वैरायटी है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ग्रेप की वैरायटी है थॉम्सन सीडलेस, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप मुझे अपनी कमेंट दिया करो, ठीक है, कि हाँ हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, या ये चीज़ जो है इससे रिलेटेड हमें क्लास चाहिए, या फिर ये चीज़ हमें याद नहीं हो रही, ताकि मेरा क्या होता है ना, थोड़ा मतलब मुझे भी मोटिवेट होने का मतलब वो मिलता रहता है ना, कि हाँ यार स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आ रहा है, ओके। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अगर आपको हेल्पफुल लगे, और जो ये हमारी क्लासेस होती हैं इन सब की PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया जाता है आपको टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी जैसे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है, ओके।